हम जानेंगे कि फिटिंग शॉप क्या होता है, इसमें कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं और मेटल की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिटिंग शॉप में काम करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप वर्कशॉप के अंदर एक शॉप होती है जिसमें किसी भी जॉब को तैयार करने के लिए शुरू में और आखिर में काम किया जाता है। जो फिटिंग वर्क होता है वो इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है जिसमें सभी काम हाथ से किए जाते हैं। फिटिंग शॉप के अंदर अनवांटेड मटेरियल को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स। फिटिंग शॉप के अंदर जो काम करता है उसको फिटर कहते हैं। एक फिटर को सभी टूल्स के बारे में और कौन कौन से मेटल यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जो फिटर होता है उसको कौन से टूल कहाँ यूज़ कर रहे हैं और कहाँ किस चीज़ के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ये सभी बातें एक फिटर को पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है वर्क परफॉर्म इन फिटिंग शॉप। तो ऐसे कौन से काम हैं जो फिटिंग शॉप के अंदर किए जाते हैं, जैसे कि मेजरिंग, मार्किंग, कटिंग, फाइलिंग, इंस्पेक्शन, ग्राइंडिंग, सॉइंग, रिमिंग, डाइंग, टैपिंग, ड्रिलिंग, फिनिशिंग, ऐसे बहुत सारे और भी काम हैं जो फिटिंग शॉप के अंदर किए जाते हैं और एक फिटर सीखता है। नेक्स्ट है टूल यूज्ड इन फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप के अंदर कई टूल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मेजरिंग टूल यूज़ किए जाते हैं, मार्किंग टूल यूज़ किए जाते हैं, होल्डिंग टूल्स, कटिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल, ऐसे और भी कई टूल्स होते हैं जो मशीन शॉप के अंदर यूज़ किए जाते हैं जिनकी हेल्प से अलग अलग काम किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजरिंग टूल की, जिसमें कई टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले है ट्राई स्केयर और स्टील टूल। ट्राई स्केयर के दो पार्ट होते हैं, स्टील ब्लेड और ब्लेड स्टॉक। ट्राई स्केयर को दो सर्फेसेस के बिटवीन 90 एंगल को चेक करने के लिए और फ्लैटनेस और सरफेसनेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्टील रूल को स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए और मेजरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेंथ और डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और माइक्रोमीटर भी प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है बट ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रेसिजन होता है। इसको डायमीटर और थिकनेस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मेजरिंग गेजेस। मेजरिंग गेजेस 6 तरह की होती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले है वायर गेज। वायर गेज को वायर के डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रेड गेज। थ्रेड गेज में नंबर ऑफ लीव्स होती हैं जिनको थ्रेड के पिच को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियस गेज। रेडियस गेज में भी नंबर ऑफ लीव्स होती हैं जिनको इनर और आउटर रेडियस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिलर गेज। फिलर गेज को दो मैचिंग पार्ट्स के बिटवीन गैप को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइट गेज। हाइट गेज को ऑब्जेक्ट की हाइट को मापने के लिए यूज़ करते हैं। डेप्थ गेज। डेप्थ गेज को ऑब्जेक्ट की डेप्थ मापने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैलिपर्स। कैलिपर्स भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ये 4 तरह के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर और स्प्रिंग कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर को आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर को इनर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को राउंड और स्क्वायर ऑब्जेक्ट के सेंटर लोकेट करने के लिए और किसी एज के कांस्टेंट डिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रिंग कैलिपर। स्प्रिंग कैलिपर बाकी कैलिपर की तरह ही होता है बट इसमें एडजस्टेबल थ्रेडेड स्प्रिंग होता है जिसको कहीं भी फिक्स करके हम मेजरिंग कर सकते हैं। इसी तरह और भी कई मेजरिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि बेवल प्रोटेक्टर, कम्बिनेशन सेट, सेंटर स्क्वायर और डिवाइडर। बेवल प्रोटेक्टर को किसी भी एंगल पर लाइन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। कम्बिनेशन सेट। कम्बिनेशन सेट एक मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट है जिसको एज अ प्रोटेक्टर, लेवलर, मीटर, सेंटर स्क्वायर और ट्राई स्केयर का काम करता है। सेंटर स्क्वायर। सेंटर स्क्वायर को किसी भी जॉब का सेंटर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिवाइडर। डिवाइडर को आर्क लगाने के लिए, लाइन को डिवाइड करने के लिए और डायमेंशंस को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मार्किंग टूल्स की। तो सबसे पहले है स्क्राइबर। स्क्राइबर को मेटल पर लाइन मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। ये आगे से नुकीला होता है जो मेटल के ऊपर बड़ी आसानी से मार्क कर देता है। नेक्स्ट है सेंटर पंच और डॉट पंच। डॉट पंच। डॉट पंच को डॉटेड लाइन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पंच एंगल 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच।
सेंटर पंच डॉट पंच की तरह ही होता है, लेकिन इसका पंच एंगल 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच को ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज। इसमें एक हैवी बेस होता है, बार होती है और एक स्क्राइबर होता है। इसको मार्किंग करने के लिए और पैरेलल लाइंस लगाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है होल्डिंग टूल्स। किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए हम वाइस का यूज़ करते हैं। वाइसेस कई तरह की होती हैं, जैसे कि बेंच वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस और हैंड वाइस। सबसे पहले है बेंच वाइस। बेंच वाइस कॉमन होल्डिंग टूल है जिसको बेंच के ऊपर जॉब को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पाइप वाइस। पाइप वाइस को पाइप होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेग वाइस। लेग वाइस को हैवी वर्क और चिपिंग और हैमरिंग करते वक्त यूज़ किया जाता है। हैंड वाइस। हैंड वाइस को बहुत ही स्मॉल जॉब्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिन वाइस। पिन वाइस को वायर या स्मॉल डायमीटर के रॉड्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कटिंग और फिनिशिंग टूल्स, जिसमें सबसे पहले है हैक्सा। हैक्सा मोस्ट कटिंग टूल है जिसको हाथ से कटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। चीजल। चीजल भी एक कटिंग टूल है जिसके ऊपर हैमरिंग करके चिपिंग की जाती है। चीजल भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कोल्ड चीजल, कैप चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड कट चीजल, राउंड नोज चीजल। नेक्स्ट है फाइल्स। फाइल्स को फिनिशिंग करने के लिए और अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग फाइलिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं, जैसे कि फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्राइंगल फाइल, क्रॉस फाइल और नाइफ फाइल। ऐसे और भी कई काम होते हैं जो फिटिंग शॉप के अंदर किए जाते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग और डाइंग। किसी भी जॉब में होल करना उसको ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिल्ड किए हुए होल में उसको फिनिश करना उसको रिमिंग कहते हैं। ड्रिल्ड होल में इनर थ्रेड्स क्रिएट करना उसको टैपिंग कहते हैं। और किसी भी रॉड के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाना उसको डाइंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइकिंग टूल में मोस्ट कॉमन टूल है हैमर। हैमर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। हैमर को हैमरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक फिटर को मेटल की प्रॉपर्टीज पता होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि टूल्स के बारे में पता होना। मेटल्स की कई फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि लस्टर, मेटल की कितनी चमक है, कलर, मेटल का कौन सा कलर है, डेंसिटी, उसकी कितनी डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, वो मेटल कितने कौन से पॉइंट पर जाके मेल्ट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट, मेटल कौन से पॉइंट पर जाकर बॉइल करता है, इलास्टिसिटी, परमानेंट डिफॉर्म ना हो आफ्टर एक्सटर्नल प्रेशर, प्लास्टिसिटी, परमानेंट डिफॉर्म हो जाए आफ्टर एक्सटर्नल प्रेशर, डक्टिलिटी, मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके बिना किसी फेल्यूर के, मेलेबिलिटी, मेटल्स को थिन शीट्स में बना सके बिना किसी फेल्यूर के, हार्डनेस, मेटल कितना हार्ड है, स्टिफनेस, मेटल डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करे बाय एक्सटर्नल लोड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल्स दो प्रकार के होते हैं, फेरियस मेटल और नॉन फेरियस मेटल। फेरियस मेटल वो होते हैं जिसमें आयरन होता है, जैसे कि माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील, और जिनमें आयरन नहीं होता है उनको नॉन फेरियस मेटल कहते हैं, जैसे कि कॉपर, ब्रास, अल्यूमिनियम। सेफ्टी प्रिकॉशंस। फिटिंग शॉप के अंदर काम करने से पहले हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है कीप हैंड एंड टूल्स वाइप्ड क्लीन एंड फ्री ऑफ डर्ट, ऑयल एंड ग्रीस। ड्राई टूल्स आर सेफर टू यूज़ देन स्लीपर टूल्स। हमें अपने हाथों को और टूल्स को साफ और सूखा रखना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट कैरी शार्प टूल्स ऑन पॉकेट। हमें पॉकेट्स के अंदर शार्प टूल्स नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट है वियर लेदर शूज़ एंड नॉट सैंडल्स। हमें सैंडल्स नहीं पहनने चाहिए, हमें लेदर शूज़ पहनने चाहिए। डोंट वियर लूज क्लोथ्स। हमें ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट कीप वर्किंग टूल्स एट द एज ऑफ द टेबल। हमें एज टेबल की एज के ऊपर वर्किंग टूल्स नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट होल्ड द वर्क पीस इन द हैंड वाइल कटिंग। हमें कटिंग वर्क करते वक्त वर्क पीस को हाथ में होल्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ द फाइल विद अ प्रॉपरली फिटेड टाइट हैंडल। हमें टाइट हैंडल वाली फाइल ही यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट यूज़ वाइस एज अ एनविल। हमें वाइस को एनविल की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए।